तो विमेन कल्चर लाइक एम्पथी, अडेप्टेबिलिटी, इंट्यूटिवनेस, इमोशंस एक्सेट्रा शुड बी सेलिब्रेटेड. रिवैलराइजेशन ऑफ फीमेल इज नीडेड थ्रू विमेन्स आर्ट एंड लैंग्वेज. ठीक है, कि भाई फिर रेडिकल फेमिनिज्म ने क्या बोला, कि रेडिकल फेमिनिज्म ने फिर क्या बोला कि भाई जो जो विमेन के इमोशंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि विमेन को बोला जाता है कि विमेन ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, ज्यादा इमोशनल होती हैं, रैशनली नहीं सोचती हैं. ठीक है, मेल जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं. ठीक है, वो ज्यादा इमोशंस के अंदर नहीं बहते हैं. तो रेडिकल फेमिनिज्म ने आर्ग्यूमेंट को उल्टा कर दिया और बोला कि जो जो विमेन के इमोशंस होते हैं, विमेन की जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, जिस तरह से विमेन दुनिया को देखती हैं और दुनिया में खुद को एडजस्ट करती हैं, वो सारी चीजें जो है इस दुनिया को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि भाई प्रैक्टिकलिटी जो है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट होती है, इमोशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. अगर हमें एज सोसाइटी जो है पीसफुली इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करना है, तो उन्होंने बोला कि जितनी भी चीजें जो हैं, जो विमेन के पास हैं, विमेन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सबको जो है सेलिब्रेट करना चाहिए. तो रिवैलराइजेशन ऑफ फीमेल्स इज नीडेड थ्रू विमेन्स आर्ट एंड लैंग्वेज. ठीक है, और ये सारी चीजें हम करेंगे कैसे, इन सारे इमोशंस को हम लोग किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, हम आर्ट के अंदर, आर्ट जैसी चीजों के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, फिल्म्स के अंदर, मीडिया के अंदर, जो जो भी पब्लिक कल्चर में चीजें आती हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग औरतों को ज्यादा पार्टिसिपेट करवाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो औरतों की वहां पे. उसकी वजह से औरतों का जो पर्सपेक्टिव है वो इन सारी चीजों के थ्रू जो है सोसाइटी के अंदर शेयर होगा. एक क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, ठीक है, दैट इज रेडिकल फेमिनिज्म का आइडिया फॉर वुमेन का लिबरेशन. ठीक है, एक तो वो ही हो गया, बायोलॉजिकल लिबरेशन ही हो गया. ठीक है, और दूसरा ये वाला आर्ट एंड लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना, पब्लिक कल्चर के ऊपर फोकस करना. ठीक है, और ये चीजें आगे भी, अ न्यू वर्ल्ड व्यू बेस्ड ऑन वुमेन्स पर्सपेक्टिव नीड्स टू बी क्रिएटेड थ्रू जर्नलिज्म, रेडियो, म्यूजिक, फिल्म एटसेट्रा. जो जो भी चीजें आप सोचते हो, जहां से भी आपने दुनिया को समझा है, ठीक है, जो जो चीजें आपको दुनिया को दुनिया के अंदर एडजस्ट करवाने में जिन जिन चीजों ने हेल्प करी है, जैसे कि आप बचपन से गाने सुनते हो, आप मूवीज देखते हो, ठीक है, आप न्यूज देखते हो, आप मान लो कि बाहर सड़कों पे लगे हुए पोस्टर्स देखते हो, पैम्फलेट्स देखते हो, जो जो चीजें शेयर करती हैं दुनिया का पर्सपेक्टिव आपके साथ, ठीक है, जिससे आप समझते हो कि दुनिया एक्चुअल में है क्या है. ठीक है, जिससे यू गेट टू नो अबाउट दिस वर्ल्ड, आपकी नॉलेज बढ़ती है. ठीक है, क्योंकि वही सारी चीजें होती हैं जो आपको स्टीरियोटाइप्स और बाकी की जो ऑपरेशन वाली बिलीव्स है वहां से आप सीखते हो इन सारे मीडियम्स के थ्रू. तो यही सारे मीडियम्स जो हैं, अगर यहाँ पे विमेन का पर्सपेक्टिव जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, तो यही सारे मीडियम्स जो हैं वो उस चेंज के लिए जो है एक मीडियम बन जाएंगे. ठीक है, तो फिर आगे है कि भाई एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट वुड बी एम्फोसिस ऑन लैंग्वेज. ठीक है, रेडिकल फेमिनिज्म ने एक और चीज करके दिखाई कि भाई मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बन गई इनकी, कि इन्होंने भाषा के ऊपर फोकस करा, लैंग्वेज के ऊपर फोकस करा. जैसे रोजमर्रा की लाइफ के अंदर हम लोग लैंग्वेज को यूज करते हैं, जैसे कि चेयर मैन, चेयर पर्सन ना बोलना, चेयरमैन बोलना. ठीक है, जैसे कल परसों मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टोरी डाली हुई थी, आप देखो जैसे वो रोड्स के ऊपर जो वो पीडब्ल्यूडी वर्कर्स होते हैं, जो जिन्होंने ऑरेंज जैकेट डाली होती है, जहाँ पे रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, तो जब भी वो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, वो बीच में जो है वो लगा देते हैं ना, वो रोलर वाला एक बोर्ड लगाते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है मेन एट वर्क. ठीक है, तो आई शेयर्ड अ स्टोरी कि भाई वही वाला बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन देर इज अ वुमन हु इज वर्किंग एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, पीडब्ल्यूडी वर्कर रोड के ऊपर, लेकिन बोर्ड किस चीज का है, मेन एट वर्क. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है पब्लिक कल्चर के अंदर है, कि लैंग्वेज किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस करती है. ठीक है, लैंग्वेज किस तरह से मेल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाती है, विमेन को जो है और ज्यादा सब्जिगेट करती है. ठीक है, और इसके अंदर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स सोच सकते हो. ठीक है, कुछ भी मतलब मीडिया के अंदर आप देख लो, न्यूज़पेपर्स के अंदर आपको देख लो, आपको डेली लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. रिलीजन की भाषा जो है वो भी बहुत ज्यादा मेल सेंट्रिक होती है. ठीक है, जैसे मान लो कि आप गीता पढ़ोगे ना, भागवत गीता, महाभारत, मतलब जो भी आपको मनुस्मृति पढ़नी है, जो भी पढ़ना पढ़ लो, आपको हर जगह के ऊपर जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई वहां पे चीजें जो है वो मेल सेंट्रिक है. ठीक है, जैसे उसके अंदर अर्जुन को ज्ञान दिया जा रहा है श्री कृष्ण के द्वारा, तो उसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि परम मनुष्य होने का समथिंग. ठीक है, कि भाई एक मतलब कि मेल जेंडर के ऊपर फोकस करें. तो आज मेरे दिमाग में एग्जाम्पल्स आ भी रहे हैं कि भाई
मतलब उसका ये निकलता है कि किसी मेल का ये फर्ज बनता है, मीनिंग देयर बाय कि भाई फीमेल जो है उसका पर्सपेक्टिव उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और ये सारी चीजें जो है ये आपके लिए लैंग्वेज करती है। क्या तो लैंग्वेज, इसीलिए रेडिकल फेमिनिज्म ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा। अभी आप देखोगे पिछले 10-15 सालों में क्या हुआ, हर एक जगह के ऊपर जो था ही लगता था, ही हिज हिम, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब जो कि जहां पे न्यूट्रल लैंग्वेज होनी चाहिए वहां पे हर जगह के ऊपर ही होता था, ठीक है। अभी पिछले 10-15 सालों के अंदर ये फर्क आया कि लोगों ने शी यूज करना शुरू करा है, कुछ लोगों ने दे देम यूज करना शुरू करा है, ठीक है। तो इस तरह से लैंग्वेज जो है वो हमारी रोजमर्रा की लाइफ के अंदर जो है हमारे व्यूज को इफेक्ट करती है। जब आप सारी जगह पे ही पढ़ते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि ही है जो इस दुनिया के अंदर मैटर करता है, देयर इज नो शी हु विल मैटर, ठीक है। तो दिस इज हाउ लैंग्वेज हमारे सबकॉन्शियस को इफेक्ट करती है, ठीक है। और यहाँ से आप दुनिया के अंदर एज अ फीमेल जो है इंफीरियर होना सीख लेते हो। तो इसको रेडिकल फेमिनिज्म ने इसके ऊपर फोकस करा, ठीक है, इसके बारे में आर्ग्यूमेंट्स करी, और उन्होंने क्या बोला कि हम इसको चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस यूज कर सकते हैं, नेमिंग का प्रोसेस, ठीक है, कि भाई हम इस तरह की लैंग्वेज को, इस तरह के वर्ड्स को जब हम चेंज करते हैं तो उसको ये उसको क्या नाम देते हैं, नेमिंग बोलते हैं। पेपर में आ भी सकता है व्हाट इज नेमिंग अकॉर्डिंग टू रेडिकल फेमिनिस्ट, ठीक है। तो नेमिंग है कि ऐसी लैंग्वेज को चेंज करना, इन टर्म्स को चेंज करना, जैसे कि चेयरपर्सन इन प्लेस ऑफ चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन की जगह पे चेयरपर्सन यूज किया जाए, मैनकाइंड की जगह के ऊपर ह्यूमन काइंड यूज किया जाए, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं। देन इसकी और कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग, दिस इज जस्ट वन ग्रुप, नॉट द एंटायर सेगमेंट, ठीक है, कि भाई उन्होंने क्या, कुछ एक रेडिकल फेमिनिस्ट ने क्या आर्ग्यू करा कि लेस्बियनिज्म जो है वो हमें मेल सेंट्रिक वर्ल्ड से निकलने में हेल्प कर सकती है, ठीक है, हेटरोसेक्सुअल मैरिजेस की जगह। हेटरोसेक्सुअल मैरिजेस मींस मेल और फीमेल की मैरिज, ठीक है, ऑपोजिट जेंडर्स की मैरिज की जगह के ऊपर, अगर फीमेल टू फीमेल जो है वो एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के साथ शादी करें, तो उस पूरे पेट्रियार्कल हाउसहोल्ड सेटअप के अंदर से मेल निकल जाएगा, ठीक है, तो फिर वहां पे पेट्रियार्की भी नहीं होगी। तो कुछ एक रेडिकल फेमिनिज्म ने रेडिकल फेमिनिस्ट ने लेस्बियनिज्म के लिए भी आर्ग्यू करा, ठीक है। तो ये सारी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, दिस इज रेडिकल फेमिनिस्ट जो लोग हैं वो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्कॉलर्स की बात करते हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्कॉलर जिन्होंने रेडिकल फेमिनिज्म जहाँ से शुरुआत होती है, वुड बी केट मिलेट, ठीक है। इनकी बुक आई थी सेक्सुअल पॉलिटिक्स इन 1970, ठीक है, कभी आपको टाइम लगे तो पढ़ना भी इसको। तो एक केट मिलेट, ठीक है, और एक शोलामिथ फायरस्टोन, ये दो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने रेडिकल फेमिनिज्म की फाउंडेशंस रखी थी। दोनों की बुक्स जो थी वो 1970 में ही पब्लिश हुई थी, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ठीक है, और द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, ठीक है। दीज आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स जो है वो उन लोगों ने प्रोपाउंड किए, ठीक है। तो केट मिलेट जो है सबसे पहले पेट्रियार्की टर्म जो था वो गर्डा लर्नर ने यूज करा था इन 1972, ठीक है, मे बी आई एम नॉट श्योर, ठीक है। पेट्रियार्की टर्म सबसे पहली बार यूज किसने किया था, सबसे पहली बार इन्वेंट किसने किया था, गर्डा लर्नर ने, ठीक है। लेकिन जिस तरह से आज हम पेट्रियार्की को समझते हैं, ठीक है, उस चीज को, उस आइडिया को फेमस किसने करा था, केट मुलर ने। तो डिस्टिंक्शन याद रखना, सबसे पहली बार टर्म जो था वो यूज किया था, यानी कि इन्वेंट करा था गर्डा लर्नर ने, और उसको फेमस किया था केट मुलर, ठीक है। तो ये यूज जो था, या इसकी जगह केट मुलर मत कराना, इट्स गर्डा लर्नर होगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे केट मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स के अंदर पेट्रियार्की की बहुत ज्यादा बात करी, ठीक है, और उन्होंने बोला कि ये इस पूरी दुनिया जो है ये मेल सेंटर्ड है, ये सिर्फ पेट्रियार्की के भरोसे चलती है ये दुनिया, ठीक है। अगर विमेन जो है वो पेट्रियार्की को अपोज करना शुरू कर दें तो फिर हम एक नया फीमेल सेंट्रिक वर्ल्ड जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। और जो हम लोग अभी बात कर रहे थे पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल के अंदर, जो मैंने आपको बोला कि हाउस होल्ड के अंदर बिकॉज इट इज अ पावर स्ट्रगल, इसी वजह से वहां पे पॉलिटिक्स भी है, ठीक है। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट जो था ये सबसे पहली बार किसने दिया था, केट मिलर ने। तो यहीं से पर्सनलाइज पॉलिटिकल की शुरुआत होती है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वेमेन इज बेस्ड ऑन पावर, दिस मेक्स रिलेशनशिप बिटवीन सेक्सेस पॉलिटिकल इन नेचर, व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन, ठीक है, देयरफॉर पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो ये आइडिया सबसे पहली बार केट मिलर ने दिया था। देन ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ मेन ऑपरेसिंग वेमेन, ऑल दो इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड फॉर्म्स। ये भी मैंने जब रेडिकल फेमिनिज्म ने उस दिन शुरू करा था, तो मैंने यहीं से शुरू करा था ये कि भाई रेडिकल फेमिनिज्म का ये मानना है कि पूरी दुनिया के अंदर हर एक जगह के ऊपर जो है
हमेशा से औरतें जो है वो ऑप्रेस होती आई हैं, ठीक है। ऑल दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट और फॉर्म्स के अंदर, कहीं पे डिग्री ऊपर नीचे हो सकती है, कहीं पे तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इट इज देयर, ठीक है, इट इज ऑलवेज देयर, ठीक है। तो ये रेडिकल फेमिनिस्ट यानी कि केट मिलेट ने सबसे पहली बार आर्ग्यू करा था कि ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ मेन ऑप्रेसिंग वुमेन, ठीक है। और इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जितनी औरतें हैं दे आर यूनाइटेड बाय पेट्रियार्की, ठीक है, क्योंकि वो पेट्रियार्की को अपोज कर रही हैं, तो पेट्रियार्की की यूनाइटिंग फोर्स बन जाती है उनके लिए, जिसके थ्रू जो है वो सब लोग साथ में आ सकते हैं, ठीक है, और कॉमन सिस्टरहुड को अडॉप्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन किया, ठीक है। देन इट वुड बी शोलामिथ फायरस्टोन, ठीक है, इनकी बुक जो थी डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, जो हमने जहाँ से शुरुआत करी थी रेडिकल फेमिनिज्म की, रिप्रोडक्शन नॉट प्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ सोसाइटी। अब आपको समझ में आएगा रिप्रोडक्शन कैसे है, क्योंकि रेडिकल फेमिनिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बायोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है, जहाँ पे ये बोलते हैं कि विमेन ऑप्रेस होती है अपनी बायोलॉजी की वजह से। विमेन का लिबरेशन अगर होगा कहीं पे, तो वो बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन के अंदर होगा थ्रू मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे जैसे कि आप सरोगेसी, ट्यूबेक्टोमी जैसी चीजों को कर सकते हो, ठीक है। तो और इसी वजह से शोलामिथ फायरस्टोन मतलब वॉज अनदर वेरी फेमस रेडिकल फेमिनिस्ट। तो उन्होंने क्या आर्ग्यू करा कि भाई जैसे मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने बोला था प्रोडक्शन है, यानी कि इकोनॉमी जो है दैट इज द बेसिस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर जिस तरह के रिलेशंस होते हैं लेबरर्स और वर्किंग क्लासेस के बीच में, ठीक है, वही चीज जो है वो घर के अंदर होती है। मेल जो है वो फैक्ट्री ओनर है, फीमेल जो है वो वर्किंग क्लास है, सिंपल एज दैट, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन के अंदर जो है जिस तरह से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी, पैसा सोसाइटी में लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसी तरह से जो है ऑपरेशन और प्रिविलेजेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। शोलामिथ फायरस्टोन ने क्या बोला ना कि इकोनॉमी जो है दैट इज नॉट द बेसिस ऑफ सोसाइटी, प्रोडक्शन इज नॉट द बेसिस ऑफ सोसाइटी, ये वो फाउंडेशन नहीं है जिसके बेसिस के ऊपर सारी सोसाइटी जो है वो खड़ी है, इट इज एक्चुअली रिप्रोडक्शन का बेसिस। रिप्रोडक्शन का बेसिस किस तरह से कि भाई मेन जो है वुमेन को बायोलॉजिकली ऑप्रेस करते हैं, ठीक है, यहाँ से जो उनको सरप्लस मिलता है, ठीक है, यहाँ से जो उनको पावर मिलती है, उसके भरोसे जो है वो सोसाइटी के अंदर ज्यादा पावरफुल बनते हैं, ठीक है। तो वुमेन को वो जो है मतलब वुमेन की जिंदगी जो है वो जो को पैदा करने में उनका ध्यान रखने में निकल जाती है, पीरियड्स के अंदर जिंदगी निकल जाती है, फिजिकली वीक होने में जिंदगी निकल जाती है, ठीक है, और अपनी बायोलॉजी की वजह से हर जगह के ऊपर ऑप्रेस होने में जिंदगी निकल जाती है, ठीक है, क्योंकि मेल जो है एक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को जो है ऑप्रेस करके रखते हैं, इसी वजह से वो पावरफुल है, ठीक है। और ये जो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का जो ये शेयर होल्डिंग बनती है, ठीक है, ये जो डिवीजन है, ठीक है, यहाँ पे जो है क्योंकि एक सेक्शन जो है वो ज्यादा पावरफुल बन रहा है, ठीक है, और वही सेक्शन जो है वो सब कुछ ओन करता है, दिस इज द बेसिस ऑफ सोसाइटी, यहाँ से ये सोसाइटी चलती है, ठीक है, इस तरह से ये सोसाइटी चलती है। सो दिस इज व्हाट शी मीन्स व्हेन शी सेड कि रिलेशंस ऑफ रिप्रोडक्शन आर द बेसिस ऑफ सोसाइटी, और रेडिकल फेमिनिज्म की ये फाउंडेशन बन गई बायोलॉजी के बारे में बात करना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है वो प्रोडक्शन की बात करेगी, यानी कि इकोनॉमी की बात करेगी, और रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन की बात करेगी, ठीक है। देन वी हैव एड्रियन रिच, ये हमने करे थे, ठीक है, इनका बस आप बुक्स याद रखना, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना ऊपर हमने किया था एड्रियन रिच और मैरी ओब्रायन, ये वो वाला सेक्शन है जो कि बोलता है कि मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय मैन, वहां पे भी लिबरेशन नहीं है, ठीक है, और इसके अलावा सिर्फ इनकी बुक्स इंपॉर्टेंट है, मैरी ओब्रायन पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एड्रियन रिच ऑफ वुमेन बॉर्न मदरहुड एज एक्सपीरियंस एंड इंस्टीट्यूशन, इनकी बुक्स अच्छे से याद रखना है। देन वी हैव जैसे हमने ऊपर बोला था कि भाई रेडिकल फेमिनिज्म ने जो है पोर्नोग्राफी जैसे इश्यूज के ऊपर बात करी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन लोग हैं जिन्होंने पोर्नोग्राफी को फोरफ्रंट के ऊपर ला करके खड़ा करा, केदरिन मैकिनॉन, आंद्रिया डवॉर्किन एंड सुजन ग्रिफिन, ठीक है, ये तीनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनके नाम याद रखना, पेपर में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स जो हैं दे फोकस्ड ऑन पोर्नोग्राफी, तो इन तीनों के साथ आ जाएगा, ठीक है, और एक और कोई आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा हु ऑफ दीज डिड नॉट फोकस ऑन पोर्नोग्राफी, तो चौथा जो होगा दैट वुड बी ऑड वन आउट, बाकी इन तीनों का नाम वहां पे होगा, तो सबके लिए आपको ये नाम याद रखने की जरूरत है, ठीक है। कैदरीन मैकिनॉन और आंद्रिया डवॉर्किन ने एक मिनेसोटा ऑर्डिनेंस, एक डॉक्यूमेंट बनाई थी, ठीक है, एक रेजोल्यूशन बनाया था जिसको मिनेसोटा ऑर्डिनेंस बोलते हैं, जहाँ पे इन्होंने क्या क्या किया कि भाई जो रेप विक्टिम्स हैं वो पोर्नोग्राफर्स को के ऊपर केस कर पाए, ठीक है, ये मतलब इस तरह का लॉ हो, उसकी बात उन्होंने मिनेसोटा ऑर्डिनेंस के अंदर करी थी। क्या क्या कॉन्सेप्ट है ये कि भाई
पोर्नोग्राफी के अंदर जिस तरह की चीजें दिखाई जाती है, जितना ग्राफिकली वायलेंट पोर्नोग्राफी होती है जिसके अंदर विमेन को सबमिसिव दिखाया जाता है, मेन को डोमिनेटिंग दिखाया जाता है, और कोई पोर्नोग्राफी तो खुले तरीके से रेप को जो है प्रेजेंट करती है, रेप को इंस्पायर करती है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है सोसाइटी के अंदर जब दिखाई जाती है तो उसकी वजह से जो है रेप जैसी चीजें होती है, ठीक है। तो इसी वजह से सीधा सीधा लिंक बैठता है पोर्नोग्राफी और रेप के बीच में। तो इस और मिनेसोटा ऑर्डिनेंस में उन्होंने क्या बोला कि इस तरह का लॉ होना चाहिए जहां पे रेप विक्टिम्स जो हैं वो पोर्नोग्राफर्स के ऊपर केस कर सके, ठीक है। तो ये कैदरिन मैकिनोन और आंद्रिया डवॉर्किन ने मिलकर बनाया था मिनेसोटा ऑर्डिनेंस, ठीक है। देन आंद्रिया डवॉर्किन की एक बुक है विमेन हेटिंग, इसको याद रख लेना, और तीसरी स्कॉलर हु टॉक्ड अबाउट पोर्नोग्राफी बुक भी सुजन ग्रीफ, ठीक है। देन मैरी डेली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेडिकल फेमिनिस्ट स्कॉलर, इनकी बहुत सारी किताबें और बहुत सारी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने बात करी कि रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो लैंग्वेज के ऊपर फोकस करा उसने, तो लैंग्वेज के ऊपर, पेट्रियार्कल लैंग्वेज के ऊपर फोकस करा, तो मैरी डेली का इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन हर बुक प्योर लस्ट, ठीक है, जहाँ पे रिलीजन के अंदर जिस तरह से जो पेट्रियार्कल लैंग्वेज है उसके ऊपर फोकस करती है, ठीक है। जैसे मैं आपको वो गीता का एग्जाम्पल दे रही थी, वो हो गया, बाइबल में भी इसी तरह से बात करा गया है, ही हु बिलीव्स इन गॉड, ठीक है, ही हु विल डिवोट हिमसेल्फ टू गॉड, तो सिर्फ ही यूज होता है हर जगह के ऊपर। सेम चीज जो है वो आपको हिंदू टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलेगी, सेम चीज आपको इस्लामिक टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सारे रिलीजियंस जो थे ये इसी चीज के अंदर बिलीव करते थे कि भाई सिर्फ आदमियों को मुक्ति मिल सकती है, औरतों को मुक्ति नहीं मिल सकती, बिकॉज औरतें जो है वो अपने आप में एक डिफॉर्मिटी है, औरतों को जो है किसी चीज की सजा मिल रही है, इसीलिए वो जो है इस दुनिया के अंदर एज औरतें पैदा हुई है, ठीक है। तो दे आर अ डिफॉर्मिटी इन देमसेल्स, इसी वजह से उनको मुक्ति भी नहीं मिल सकती। मनुस्मृति के अंदर भी यही लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे मनुस्मृति जो है वो शूद्रों को, औरतों को और जानवरों को एक कैटेगरी के अंदर कंसिडर करती है, ठीक है। जैसे देर सम स्लोगन की शूद्र औरतें और जानवर इनको मारो जूते चार, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है रिलीजन के अंदर है, और रिलीजन ने पेट्रियार्की को बहुत ज्यादा प्रमोट करा, इनफैक्ट पेट्रियार्की रिलीजन में से ही निकलती है, ठीक है। सो दैट इज वेयर रेडिकल फेमिनिज्म ने रिलीजन के ऊपर, रिलीजन की लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा है, और उसके अंदर मैरी डेली का काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है इन हर बुक प्योर लव, ठीक है। उसी तरह से गाइनो इकोलॉजी, ये भी इनकी बुक है, चर्च एंड द सेकेंड सेक्स, ये इनकी एक बुक है, बियॉन्ड गॉड द फादर इनकी एक बुक है, सबको एज इट इज याद रखना, ठीक है। देन वी हैव लास्ट वन बुक भी, डेल स्पेंसर, अगेन रेडिकल फेमिनिस्ट है, अगेन लैंग्वेज के ऊपर फोकस करा है, मैन मेड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इनकी बुक एज इट इज याद रखनी। तो दिस इज ऑल अबाउट रेडिकल फेमिनिज्म, किसी को डाउट? मैम, हाँ, मुझे एक डाउट ये है कि जैसे कि लिबरल फेमिनिज्म है, मार्क्सिस्ट है, तो ये जो रेडिकल वर्ड है, मतलब ये कैसे, मतलब आया, मुझे ये समझ नहीं आया जो रेडिकल फेमिनिज्म है। देखो रेडिकल का मतलब होता है जो एक्सट्रीम पे जाकर के बात करी चीजों को। जैसे आप देखो जब इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी तो दो ग्रुप्स होते थे, एक को बोलते थे मॉडरेट और एक को बोलते थे रेडिकल, इन्हीं को रेडिकल को एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते थे, ठीक है। तो मॉडरेट लोग कौन थे जो कि, हाँ, जो कि ये बात करते थे कि भाई, मॉडरेट लोग कौन थे जो कि बात करते थे कि भाई ब्रिटिशर्स के साथ बात करें, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट कर लें, थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट कर लें, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन के थ्रू जो है जो जो चीजें ब्रिटिश हमें देते हैं वो ले लें, और इस तरह से धीरे धीरे जो है हम लोग फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। यानी कि ज्यादा ऐसे एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मार कटाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से बात करते करते चीजों का, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरा ग्रुप जो था जो कि रेडिकल या फिर जिनको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, जिन्होंने ये बोला था कि भाई नहीं, ये बात बूत में कोई हल नहीं निकलता, सीधा हथियार उठाओ, ठीक है, और काम जो है वो देखो अपना, जिसके अंदर जैसे गदर वाले जो लोग थे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि रेडिकल फेमिनिज्म में रेडिकल वर्ड का क्या मतलब है, जहाँ पे इन्होंने ये बोला है। देखो ये बहुत रेडिकल चीजें हैं बेसिकली, ये बोलना कि पर्सनल इज पोलिटिकल, ठीक है, ये बोलना कि भाई ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ मेन सब्जुगेटिंग वुमेन, ठीक है, ये बोलना कि हेटरोसेक्सुअल मैरिजेस छोड़ दो, लेस्बियनिज्म को अडॉप्ट कर लो, ठीक है, तो ये बोलना कि भाई आप जो अपनी नसबंदी करवा लो और इस प्रेगनेंसी डिलीवरी वाले बंधन से छूट जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं, ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर आना जहाँ पे लिबरल फेमिनिज्म जो थी वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स की बात करती थी, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है वो ज्यादातर उनका फोकस जो था
इकोनॉमी के ऊपर ही था, और वो जो थे वो सिर्फ ये बात कर रहे थे कि वे कैपिटलिज्म चली जाए तो बस खत्म हो गया, फिर विमेन जो है वो अपने आप जो है इक्वल हो जाएंगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब इस तरह की चीजें इतनी डीप लेवल के ऊपर, इतनी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चीजों की बात होने लगी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेडिकल फेमिनिज्म। ओके मैम, और एक मतलब इसी पे क्वेश्चन है कि जो रेडिकल है वो कौन से वेव में आता है, मतलब थर्ड में सेकंड में? सेकंड में कंसिडर करो इसको। ठीक है, देखो मैंने ओके दिन पहले भी किसी ने ये चीज पूछी थी, फर्स्ट वेव वुड बी लिबरल फेमिनिज्म। ठीक है, फर्स्ट वेव में आप लिबरल मार्क्सिस्ट दोनों बना लो, ये मतलब इसका कोई बेसिक लॉजिक नहीं होती, आप मान लो इसको। ठीक है, सेकंड वेव में कंसिडर सोशलिस्ट और रेडिकल फेमिनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली 50s के बाद जितनी चीजें आई है ना वो सेकेंड वेव का पार्ट है, सॉरी 50s के बाद जितनी चीजें आई है दे आर पार्ट ऑफ सेकेंड वेव 1950s के बाद। तो 50s के बाद दो फाउंडेशनल फेमिनिज्म होंगी, सोशलिस्ट और रेडिकल, तो दोनों का आप सेकेंड वेव के अंदर कंसिडर कर सकते हो। ठीक, ओके मैम। और कुछ? मैम हाँ मैम, जो सुलामित फायर स्टोन की डायलेक्टिक ऑफ सेक्स है, तो मैम जो डायलेक्टिक ऑफ सेक्स है, पहले तो ये डायलेक्टिक ऑफ सेक्स किस मतलब उसमें यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और दूसरा है जो रिलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन नॉट प्रोडक्शन आर द बेसिस ऑफ, मतलब इनका कहना ये है कि रिप्रोडक्शन के बेसिस पे सोसाइटी चल रही है, ना कि मतलब प्रोडक्ट मतलब इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ये मैंने अभी तो एक्सप्लेन किया ना यार, मतलब आपको कोई पॉइंट है उसमें से जो नहीं समझ में आया? मतलब आपको क्या समझ में आया मैम मुझे यही बता चीज, दो। हाँ, रिलेशंस ऑफ मैम रिप्रोडक्शन। मुझे ये समझ में आया कि रिप्रोडक्ट मतलब विमेन को ये कंसिडर करें कि रिप्रोडक्शन है क्योंकि चाइल्ड बर्थ है, तो उससे ही सोसाइटी हमारी आगे बढ़ रही है, ना कि सिर्फ प्रोडक्शन से जो हाँ, मेल का एग्जैक्टली है जो लॉजिक देना। एग्जैक्टली यही मतलब है जो आपने बोला, चाइल्ड बर्थ। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि भाई औरतों को बच्चे पैदा करने की मशीन समझ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे औरतों की जिंदगी जो है वो पीरियड्स के अंदर निकल रही है। ठीक है, मतलब बेसिकली जो चीजें भी आप औरतों की बायोलॉजी के साथ जोड़ सकते हो, जो चीजें सिर्फ और सिर्फ औरतों के पास है, ठीक है, जो कि उनको एज पर रेडिकल फेमिनिस्ट जो है बायोलॉजिकली वीक बनाती है। ठीक है, तो उन सारी उस सारी एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, उस सारी ऑपरेशन के ऊपर एक सेक्शन है जो कि पावरफुल बनता है। ठीक है, जो कि उनको अनइक्वल करके खुद को सुपीरियर बनाता है। ठीक है, वहां पे उस बेसिस के ऊपर जो है, यहाँ से जो सरप्लस निकलता है उसके ऊपर सोसाइटी खड़ी है। ठीक है, इसका ये मतलब है रिलेशंस ऑफ रिप्रोडक्शन आर द बेसिस ऑफ सोसाइटी। जो आप बोल रहे हो चाइल्ड बर्थ, एग्जैक्टली वही चीज है। ठीक है, यस मैम। और मैम सोशलिस्ट फेमिनिज्म में जो एलियनेशन हम लोगों ने पढ़ा था उसमें लास्ट में था एलियनेशन एज अ कॉन्सेप्ट एकोमोडेट्स इनसाइट ऑफ मार्क्सिस्ट रेडिकल एंड साइको। तो मैम इसको जो एलियनेशन है वो मार्क्सिस्ट के उसमें आपने एग्जांपल में बताया था कि जैसे चेयर बना रहे हैं तो वो अपना जो सेल्फ उसका मतलब है तो उसको उसने खो दिया, तो वैसे ही हम लोग रेडिकल में सेल्फ मतलब एलियनेशन कैसे देखेंगे, एज अ वेमेन मतलब एज अ वाइफ क्योंकि उसको देखा जा रहा है, या बेबी मतलब उसकी आइडेंटिटी वेमेन की नहीं रहती है, हस्बैंड से उसकी आइडेंटिटी होती है, तो ये देखा जा रहा है कि उनकी खुद की आइडेंटिटी खो गई है, इसको एलिनेशन के उसमें देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, इनफैक्ट यू आर ऑन पॉइंट। ठीक है, तो यही बात है, एलिनेशन का मतलब वही बात है ना कि आइडेंटिटी लूज करना। तो रेडिकल फेमिनिज्म जो है, जब वो इन सारी चीजों की बात करती है, ठीक है, कि भाई ये वाला मतलब रिप्रोडक्शन की ही बात करती है, बायोलॉजी की ही बात करती है। ठीक है, तो बायोलॉजी वुमेन की इस तरह से है कि वो दूसरों के हिसाब से कंस्ट्रक्ट होती है। जैसे कि देर वुड बी अ स्कॉलर सिमोन दे ब्यूवा, ठीक है, जिन्होंने इस चीज के आर्ग्यू कर ये आर्ग्यू करा था कि भाई वुमेन के जो ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है, उन ब्रेस्ट का और कोई काम नहीं आपकी पूरी लाइफ के अंदर, दे आर सिंपली देयर कि जब आपका बच्चा पैदा होगा तब आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग करोगे, और उनका और कोई काम नहीं है। ठीक है, और आप उनको पूरी जिंदगी कैरी करते हो, पूरी जिंदगी आप ब्रा डाल के जो है वो सोसाइटी के अंदर फिरते हो, हर रोज जो है आपको स्ट्रगल के थ्रू निकलते हो। सो दिस इज कि आपकी बायोलॉजी जो है, ठीक है, या तो वो खुद ही ऐसी कंस्ट्रक्टेड है, या फिर सोसाइटी इस तरह से कंस्ट्रक्ट करती है कि वो दूसरों के हिसाब से, आपके खुद के लिए नहीं। तो दिस इज कि आप खुद की आइडेंटिटी को लूज करते हो। ठीक है, और वहां पे एलियनेशन होती है। ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। ओके okay. और कुछ? और किसी कुछ पूछना है?
मैम, जैसे इसमें आपने बताया कि जो लैंग्वेज है मैन काइंड और चेयरपर्सन के बारे में, तो उसके अंदर हम एक मतलब एग्जाम्पल जैसे कि मेरे दिमाग में आया था कि जैसे जो हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर हमने कई बार देखा होता है कि सन ऑफ एंड ब्रदर, और सॉरी सन ऑफ, डॉटर ऑफ एंड लाइक फादर ऑफ, ऐसे लिखा होता है। तो उसमें कभी मदर का और उसका यूज नहीं होता कभी भी, तो मतलब वो भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ना इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मकसद है ना यार ये कोर्सेज पढ़ने का, पढ़ाने का। हर एक जगह के ऊपर आप अपने दिमाग को यूज कर सकते हो फिर ना, हर एक जगह के ऊपर, क्योंकि जब आप इस तरह से सोचने लग जाते हो ना तो आपको हर जगह के ऊपर वो चीजें नोटिस होने लग जाती है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्योंकि एग्जाम्पल्स मिलेंगे रियल लाइफ के अंदर। हाँ जी। कई बार मैं फॉर्म फिल करती हूँ तो उसके अंदर मैं देखती हूँ कि उसके अंदर का मतलब एक मतलब विमेन का कोई मतलब रोल नहीं दिखता, क्यों हम विमेन उसका नाम हम लिख नहीं सकते क्या कि वाइफ ऑफ, फिर हस्बैंड का नाम ऐसे नहीं आता ना उसके अंदर, तो इसलिए मतलब ये इसके अंदर भी यूज हो सकता है, राइट? और आप सोचो अभी अगर कहीं पे आता है ना, कुछ जगहों के ऊपर अभी आता है मदर्स नेम, ठीक है, वो अभी शुरू हुआ है पिछले 5-10 सालों के अंदर। वो अभी शुरू हुआ है, फॉर्म फिल में शुरू हुआ है अभी रिसेंटली, मैंने भरा था तब। हाँ अभी हाँ, आया है। अभी शुरू हुआ है वो पिछले 5-10 सालों के अंदर। पहले तो एंटायरली हर जगह के ऊपर या तो डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, सिस्टर ऑफ, ऐसी ऐसी चीजें आती थी। ठीक है, इसके अलावा और और एक हाँ जी। अभी भी रिसेंटली जैसे कि कई बार हम फॉर्म, अभी मैं अपने बच्चे का एडमिशन के लिए गई थी प्ले स्कूल के लिए, तो उसमें फॉर्म के अंदर बस नॉर्मली बस यही पूछा जा रहा है कि हस्बैंड, आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं आप, मतलब मैटर ही नहीं क्या कि मतलब मैं क्या करती हूँ। दिस इज इसीलिए तो इस तरह के सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना यार, वुमेन स्टडीज जैसे, जो इन सारी चीजों को नोटिस कर पाए, ठीक है, इन सारी चीजों के अगेंस्ट बोल पाए, है कि नहीं? बिल्कुल। तो अभी मैम, और देखना मैम जब हम जो लैंग्वेज की बात हो रही है रेडिकल फेमिनिज्म में, तो मैम ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं कि जैसे मैं हम मतलब रास्ते से प्रयागराज से जब हम लोग लखनऊ जाते हैं तो एक वहाँ पे जगह पड़ती है जिसका नाम है बिछिया, तो मैं उसको पढ़ के यही सोच रही थी कि मतलब इसमें भी मतलब कहीं ना कहीं मेल का वो है, क्योंकि बिछिया तो आफ्टर मैरिज पहनते हैं, तो वो एक सिग्निफिकेंस है कि आपकी मैरिज हो गई और वो मेल के लिए है, तो वो नाम भी बिछिया रखा है, तो इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस, सो इंटरेस्टिंग। मजा आता है देखो इस तरह की क्लासेस के अंदर ना, तो और इसी तरह से आप लोग मतलब देखते पढ़ते रहो, बुक्स में पढ़ने में इतना मजा नहीं आता जितना बाहर जाकर के चीजों को नोटिस करने में आता है। वहां पे आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी बुक्स को जो है इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो जगह के ऊपर, है ना? तो ऐसे इंटरेक्ट करते रहो रोज रोज, मेरे लिए भी वन वे प्रोसेस होगा तो मेरे लिए भी बहुत बोरिंग हो जाता है फिर ये चीज। ओके मैम, और कुछ? ठीक है चलो, अभी कल आई एम थिंकिंग कल क्लास लूं कि नहीं लूं, आई विल टेल यू गाइस। ठीक है, अगर मेरे को थोड़ी सी हालत अपनी ठीक लगी तो कल क्लास करते हैं, वरना फिर मंडे को तो होगी। ओके ओके चलो ठीक है, गुड नाइट। ओके, थैंक यू ओके मैम, गुड गुड नाइट। नाइट।